हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। अब देखो, निफ्टी के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत खराब है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल डाउन है, और अभी यहाँ से आपको तो एक छोटी सी रिकवरी दिख रही, पर कल के दिन गैप डाउन ही होगा। और गैप डाउन कहाँ पे होगा, अब निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो ये लेवल हमें वॉच करनी है, 16719। अब 16719 लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये पहले रेजिस्टेंस था, जब शेयर निफ्टी यहाँ था, यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये एक्ट करेगा अब सपोर्ट की तरह, जो है 16719। 719 ये याद रखो। तो यहाँ पे हम एक बेट ले सकते हैं, कैसी, जब इसके आसपास आए तो 16700 का कॉल खरीद सकते हैं हम। अभी 16700 की प्रीमियम देख लेते हैं, 16700 का जो अभी ट्रेड हो रहा है निफ्टी का, दिसंबर सीरीज का अगर देखें तो वो 556 पे बहुत महंगा है। ये 388 वाला जो है 16700 का कॉल, वो हम लेके चल सकते हैं। और ये 16700 का मेरे हिसाब से यहाँ से 388 का 450 या 460 तक जा सकता है, पर कब, जब निफ्टी ये लेवल पे आए तब इसे बाय करना है। और स्टॉप लॉस होगा आपका, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है ये लेवल पे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और 16719 बच सकता है। तो ये रहे निफ्टी की बात। अब इसमें हम दो ऐसे शेयर देखने वाले हैं कि जो यहां से एक स्ट्रांग पुल बैक दिखा सकते हैं, क्योंकि जहां मार्केट गिरता है या जब कोरोना आता है तो ये एक सेक्टर चलता है। वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हमारे वीडियोज में, आप अगर सर्च करोगे तो पॉलीमेडिक्योर का ये जो शेयर है, पिछले टाइम जब ये कोरोना टाइम था, इसमें देखो, इसमें जो रनअप आया था वो काफी बढ़िया आया था, यहां से लेके यहां तक, और वहां से बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेशन हुआ। शेयर ने हाई लगाया है 1163 का, अभी इसके लिए बन गया ये सपोर्ट। सपोर्ट बनेगा ये लेवल का जो है 870 का, 870 का इसके लिए बनेगा सपोर्ट, और 1163 का हमारा होगा अभी के लिए टारगेट। पर मेरे हिसाब से ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि पॉली मेडिक्योर ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, पर अभी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है, इसलिए इसमें कुछ नहीं हो रहा। अगर देखा जाए तो ये बनाती क्या है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। तो जितने भी हेल्थ केयर इक्विपमेंट है ये पॉली मेडिक्योर बनाता है, इसमें एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, एज पर टिकर टेप एनालिसिस ग्रीन में है, रेड फ्लैग कोई भी नहीं है, ये भी ग्रीन है। आपको रिटर्न वर्सेस एफडी में भी इसने एफडी से ज्यादा रिटर्न दिया है, और 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इस काउंटर को आप बाय कर सकते हो। अभी बीते ट्रेडिंग सेशन की भी अगर मैं बात करता हूं तो पॉली मेडिक्योर आप देख सकते हो, शायद कितना परसेंट ऊपर था, ये 2% अप था, 19 पॉइंट्स ये इसमें खुलने के बाद मूवमेंट दिखी हमें। तो पॉली मेडिक्योर ये होगा हमारे लिए कल के वॉच लिस्ट पे, जिसपे हमें नजर रखनी है। बहुत बढ़िया शेयर है ये, इसे आप होल्ड करके भी चल सकते हो, और टारगेट होगा 1160 का। 1160 पे थोड़ी सी पोजीशन ढीली करेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है प्राइस एक्शन देख के वहां भी एंट्री ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट पे बेच के निकल भी सकते हो। तो ये पॉली मेडिक्योर। अब दूसरा शेयर इससे ही रिलेटेड है, पॉलीप्लेक्स। पॉली मेडिक्योर एंड पॉलीप्लेक्स दोनों ये शेयर देखो, मार्केट की गिरावट में ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। अब इसमें मेन बात देखो क्या है, मेन बात बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ब्लैक लाइन है, ये 5 5 MA की लाइन, इसको 13 को और 26 MA को क्रॉस कर रही है। जब भी ये सिनारियो आता है तब शेयर में गजब की तेजी आप लोग को दिखने को मिलती है। तो पॉली मेडिक्योर होगा अपना, सॉरी पॉलीप्लेक्स, ये एक शेयर ऐसा होगा कि जिसे हमें बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2000। ये शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है पॉली मेडिक्योर के। तो पॉली मेडिक्योर को आप होल्ड करके चल सकते हो 2000 के टारगेट के लिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। और बीते ट्रेडिंग सेशन में जो एक कंपनी मैंने देखी थी, ये अजंता सोया। अब अजंता सोया देखो, इसका चार्ट देखो, इसमें डॉली खन्ना इन्होंने बाइंग की है, 136 के आसपास इसमें रैली शुरू हुई थी जो कि चली 240 तक। अब ये नीचे के लेवल पे मिल रहा है आपको 212। अगर ये जो एस इन्वेस्टर में से है डॉली खन्ना,
उन्होंने बाय किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो, कंपनी अच्छी है। अभी अगर देखा जाए तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी कम बोल रहे हैं, रिटर्न वर्सेस एफडी में भी अच्छे रिटर्न दिए, एंट्री पॉइंट अभी भी सही और रेड फ्लैग एक भी नहीं है। तो अजंता सोया स्टॉक का पी भी देख सकते हो आप, 13 के पी पे मिल रही है। तो ये एक कंपनी जिस पे आप बेट कर सकते हो। कंटिन्यूअसली इनके फाइनेंशियल ट्रेंड देखो, 352 था, फिर 700 रेवेन्यू, 700 फिर 761, फिर 940 के आसपास रेवेन्यू गया। और इनका प्रॉफिट भी देख सकते हो, ये 2021 में रेवेन्यू 23% अप एंड प्रॉफिट 156 गुना अप हुआ है अजंता सोया का। तो ये काउंटर होगा जिसे आप बिल्कुल अपने रडार पे रख सकते हो। अगर इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती तो वो भी हम देख लेंगे। एक सेकेंड, मैंने ये प्लान में नहीं था पर अभी आया है तो हम इसे देख लेते हैं। 340 करोड़ की कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, 7 के पी पे। और इनका मेन काम देखो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति एंड वेरियस काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल विथ शॉर्टनिंग प्रोडक्ट्स फॉर बेकरी लाइक बिस्किट, पब्स, पेस्टिसाइड, पेस्ट्रीज एंड अदर एप्लीकेशंस। तो ऑयल से रिलेटेड है, ऑयल एक ऐसी चीज है जो यूज होती ही होती है, तो इस पे नजर रखिए। अगर आपको गलती से ये शेयर 160-170 रुपये भी मिल गया तो इसमें जरूर एंट्री, एक पोजीशन बन सकती है 50 DMA और इसके 200 DMA के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। कोई मतलब आप कंपनी ने कर्जा कम कर दिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 38 की CAGR से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर से। कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, तो ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, कंपनी में डिविडेंड पे आउट नहीं है। इसके कंपैरिजन में यही सबसे बड़ी कंपनी है, 342 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और सेल्स, जैसे मैंने बोला, सेल्स इंक्रीज हो रहे, सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। प्रमोटर के पास अगर देखा जाए तो 46.85% जो कि कांस्टेंट है, 2018 से इतने कांस्टेंट है। और पब्लिक के बीच में हाथापाई होती रहती थोड़ी सी, 53.15, देन 53.15, ये बीच में 14 हुआ था फिर 53.15 हो गया। तो ये कंपनी कैसी जिसमें आप बाइंग करके होल्ड कर सकते हो। कंपनी एक अच्छे लेवल पे अगर मिलती 170 180 पे तो ही इसे बाय करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, निफ्टी के लिए 16719 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल टूटेगा तो फिर निफ्टी सीधा लुढ़कते लुढ़कते यहां तक आएगा जो है 16364। यहां आना तो नहीं चाहिए, अगर आता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा सबका, मेरे भी होल्डिंग सब निकल जाएंगे। तो नजर रखिए, यहां पे हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं।